जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वर्डप्रेस की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू इंस्टॉल ज़ैम्प एंड वर्डप्रेस ऑन लोकल होस्ट विंडो लोकल होस्ट। इस वीडियो को दो सेक्शन में डिवाइड किया है, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अगर कोई स्किप करना चाहता है तो उस सेक्शन में चला जाए। सबसे पहले अगर तो जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि नई वीडियोस और जो भी फ्री फायर है वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जी तो सबसे पहले हम जैम को गूगल पे सर्च करते हैं या अपाची फ्रेंड्स डॉट ओ आर जी की वेबसाइट से आप डायरेक्ट यू आर एल लिख के डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ, ये फर्स्ट ऑप्शन ये अपाची फ्रेंड्स का है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो नीचे हमारे पास डिफरेंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके लिए उन्होंने लिंक दिए हुए हैं। तो मैं विंडो के लिए इंस्टॉल कर रहा हूँ कि वर्डप्रेस और जैम को विंडोज पे कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो अब मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और डाउनलोड करने के बाद मैं उस फोल्डर में जाता हूँ जहाँ पे डाउनलोड हुआ हुआ है। इसको ओपन करें या रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लें, कुछ सिस्टम में रन एडमिनिस्ट्रेटर ये चलेगा। और उसके बाद जो पॉपअप में ये बुट नामी की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इस तरह का एरर आ जाए तो उसे ओके कर दें। उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, इन सारों को मार्क करना है आपने। उसके बाद आपने वो फोल्ड अपनी डिस्क चूज करनी है जहाँ पे आपने जैम को इंस्टॉल करना है। मैं इसे सी सेक्शन में यूजर में इंस्टॉल करूंगा तो मैं उस वहाँ पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करके इंस्टॉल कर देता हूँ। क्योंकि ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए मैं जाता हूँ अपनी स्क्रीन पर और यहाँ पे क्लिक करता हूँ जैम पे। जैम इंस्टॉलेशन इतनी ही है, इसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए, कोई एरर आ जाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में क्लिक कर रहे हैं। अब मैं टेस्ट कैसे करना है जैम को, अपाची और माई एसक्यूएल को मैं ओपन करता हूँ और इनको स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट, अगर आपने ऑलरेडी कोई वेबसाइट बनाई है तो उसको आप चेक कर सकते हैं। वैसे आप लोकल होस्ट पी एच पी माई एडमिन को क्लिक करेंगे तो अगर ये ओपन हो जाए तो आपका जैम इंस्टॉल हुआ हुआ है, और अगर एरर दे जाए तो समझ लें कि कोई इंस्टॉलेशन के अंदर बग्स है। नेक्स्ट, हमारे पास जो सेक्शन है उसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि हम वर्डप्रेस को फ्रॉम जीरो कैसे इंस्टॉल करेंगे आप इस लोकल होस्ट यानी जैम को यूज करते हैं। उसके लिए गूगल पे जाएं, वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी पे क्लिक करें और यहाँ पे जो नई उनकी वेबसाइट आएगी उस पे जाने के बाद गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करना है आपने। तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास लेटेस्ट जो वर्डप्रेस का वर्जन होगा उसकी डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पर ये लेटेस्ट वर्डप्रेस का जो वर्जन है वो इसे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। डाउनलोड वर्डप्रेस पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट, किसी भी फोल्डर में इसे डाउनलोड करने के बाद अब मैं जाता हूँ अपने माई एसक्यूएल और ये अपाची को रन करता हूँ लोकल होस्ट जैम के। और अब नेक्स्ट, जहाँ पर मैंने जैम इंस्टॉल किया हुआ जो कि सी सेक्शन में है, वहाँ पे जैम का फोल्डर आपको नज़र आ रहा है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अब आपने एच टी डॉक का फोल्डर फाइंड करना है। इसे मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे आपने अब एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है जिसके अंदर आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। अब न्यू फोल्डर का आप नाम कोई भी रख सकते हैं, वो नाम ही आपके जो लोकल होस्ट स्लैश जो भी आपका नेम होगा वो उससे हम एक्सेस कर सकते हैं वर्डप्रेस को। लेट्स सपोज मैं इसे कोडी नाम दे देता हूँ जो कि मेरी वेबसाइट कोडी डिजिटल का इनिशियल है। अब मैं जाता हूँ वर्डप्रेस जहाँ पे मैंने डाउनलोड किया था उसे मैं इस फोल्डर के अंदर ले आता हूँ जो जिप फाइल है। अब इस जिप फाइल को मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ। जी तो ई वर्डप्रेस को ओपन करता हूँ, यहाँ से सारी फाइल्स को जो मैंने एक्सट्रैक्ट की थी इनको कॉपी करता हूँ और इसको मेन फोल्डर में ले जाता हूँ। इसके अलावा जितनी भी फाइल्स जो थी उनको मैं, अगर कोई एम्प्टी फोल्डर है जैसे ई वर्डप्रेस का था, इसमें से फाइल निकाल ली, अब इसको डिलीट कर दें। और नेक्स्ट, अब हमने जाना है अपने क्रोम गूगल के ऊपर और यहाँ पर हमने अब डेटाबेस क्रिएट करनी है। तो उसके लिए अब क्या करेंगे, लोकल होस्ट पी एच पी माई एडमिन पे जाएंगे और यहाँ पर जनाब हम अपनी डेटाबेस क्रिएट करेंगे हमारे न्यू वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए।
ये PHP में एडमिन को भी क्लिक कर सकते हैं, वरना जो URL है इसका वो लोकल स्लैश PHP माई एडमिन है, तो मैं वो एंटर करता हूँ और हमारे पास जो विंडो आएगी वहाँ से हम सीखेंगे कि हम वर्डप्रेस का डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। ओके जी, यहाँ सामने आपको डेटाबेस का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करता हूँ और जो मेरा फोल्डर का नाम था कोडी, सेम नाम वही आपने यहाँ पर लिखना है, डिफरेंट नेम नहीं लिखना, उससे डेटाबेस वो एक्सेस नहीं होगी, वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं होगा। डेटाबेस इसका काम इतना ही है, बाकी अब वर्डप्रेस खुद ही अपना काम कर लेगा। चलें जी, लोकल होस्ट पे आ जाए, दोबारा फोल्डर का नाम लिखें जो कि कोडी था, और इसको एंटर करता हूँ तो मेरे सामने कुछ इस तरह की विंडो आ जाएगी। लेट्स वेट अ फ्यू सेकेंड। अगर आपको कोई एरर आ रहा है इंस्टॉलेशन के अंदर या किसी भी पॉइंट पर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में शूट कर दें। यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज, उर्दू भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इंग्लिश भी कर सकते हैं। लेट्स गो पे क्लिक करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। डेटाबेस का नाम हमें पता है, हमने कोड ही रखा है तो कोड ही रखना है। यूजर नेम आपने रूट रखना है, डायरेक्टरी जो है, और पासवर्ड एम्प्टी करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। ओके जी, रन द इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट प्रोसीड हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने अपनी मर्जी से इंफॉर्मेशन लिखनी है, साइट टाइटल कोई भी रख सकते हैं आप, जो आपका दिल करता है। अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है उसके हिसाब से लिख लें, अगर कोई ब्लॉग है उसके हिसाब से लिख लें, कोई पॉलिटिकल है या जो भी आपने साइट टाइटल लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यूजर नेम और पासवर्ड के अंदर यूजुअली प्रेफर के एडमिन एडमिन लिखूं, क्योंकि ये जो लोकल होस्ट है ये इसको लाइव कोई नहीं एक्सेस कर सकता, ये मेरे लैपटॉप पे है, अगर तो मेरे लैपटॉप में ही कोई इसे एक्सेस कर सकता है जो कि मैं हूँ या कोई भी और अगर इसे यूज कर रहा है तो डाटा ब्रीच का इसके अंदर कोई इतना इशू नहीं होता, सिक्योरिटी का इतना इशू नहीं आता। मैं कंफर्म करता हूँ जी, मैंने वीक पासवर्ड ही रखना है, उसके अलावा मैं ईमेल लिखता हूँ ताकि अगर मैं पासवर्ड भूल जाऊँ, अगर मैंने डिफरेंट पासवर्ड रखा है तो मैं उसको रिस्टोर कहाँ से कर सकूँ। नेक्स्ट आपने डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट पे क्लिक करना है और इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे तो हमारा वर्डप्रेस तकरीबन इंस्टॉल हो नहीं गया बल्कि इंस्टॉल हो गया। अब लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो आपने यूजर नेम पासवर्ड जो है एंटर करना है और उसके बाद जो है जनाब हमारे पास कंफर्मेशन हो जाएगी कि हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ है, कि मैं अभी वीडियो बना रहा था। चलें खैर देखते हैं। ये जनाब हमारे पास आ गया वर्डप्रेस का डैशबोर्ड और आपको खूबसूरत सा डैशबोर्ड नज़र आ रहा है, आप बहुत बड़े प्रोग्रामर बन गए हैं। एनीवे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जो थी हाउ टू इंस्टॉल ज़ैम्प एंड वर्डप्रेस ऑन विंडो लोकल होस्ट, इससे ज़्यादा सीखने के लिए जनाब आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। प्लेलिस्ट में जाएं, आपको वर्डप्रेस की बेसिक टू एडवांस डिफरेंट ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, वहाँ से सीखें। अगर फिर भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में शूट करें, हम हर महीने फ्री थीम्स और प्लगइन गिव अवे भी देते हैं जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर देंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।